बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद इमरान ताहिर। शामिल करेंगे सबसे पहले सेफ सिटी हेडलाइंस। चीन से आए जियांग सु पुलिस अफसरान के वफद की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आमद। एमडी सेफ सिटीज के चीनी वफद को पेशावराना अमूर पर ब्रीफिंग। पंजाब पुलिस और जियांग सु पुलिस के मबैन मॉडर्न पुलिसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी में तआवुन बढ़ाने का इरादा। अराजी पर कब्जा, फ्रॉड हो गया, भैंस चोरी, क्या शोहदा अहले खाना परेशान है? छोड़िए फिक्र, आइए मुलाकात कीजिए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब की खुली कचहरी, सायलिन की दरखास्तों पर समात। मसाइल के हल के लिए मुतलका अफसरान को मौका पर हिदायत। पाकिस्तान फरिश्तों की धरती है, सिख मजहबी मकामात पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात। सेफ सिटी लाहौर जैसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं देखा। अमेरिका से आए सिख यात्रियों की सेफ सिटीज अथॉरिटी के दौरे पर खसूसी गुफ्तगू। दीगर सिख यात्रियों को पाकिस्तान विजिट करने का मशवरा। लाहौर में स्मोक के डेरे, कैंट पोलो ग्राउंड में फजाई आलूदगी 490 रिकॉर्ड। सेफ सिटीज का शहरियों की आगाही के लिए स्मोक बुलेटिन का आगाज। सेफ सिटी वेब टीवी रोजाना सुबह 8 बजे स्मोक बुलेटिन नशर कर रहा है। खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो, रोड पर परेशानी हो या मार्केट में किसी किस्म की हरासानी का सामना, तो फौरी इमरजेंसी नंबर 15 डायल कीजिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 53,500 कॉल्स मौसूल हुई। 4,662 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड करते हुए पुलिस भिजवाई गई, जबकि 38,720 कॉल्स गैर जरूरी करार। सेफ सिटीज में कायम व्हीकल ट्रैकिंग सेंटर और लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की बदौलत मुख्य मुकदमात में मतलूब। चीनी और चोरी शुदा 100 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, जबकि शहर भर के कैमरों से मॉनिटरिंग से 1,895 मकामात की निशानदही करते हुए ऑब्जर्वेशंस दी गई। मुजफ्फरगढ़ खिदमत मरकज का कमाल, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया अनाड़ी क्रिमिनल पुलिस गिरफ्त में। इंचार्ज खिदमत मरकज सब्तुल हसन शाह की हाजिर दिमागी पे अमले की दाद। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सेवन लाइन और खतरनाक डाकुओं की मुठभेड़, संगीन वारदातों में मतलूब खतरनाक डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक। चीन से आए जियांग सु पुलिस अफसरान के वफद की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आमद हुई। तीन योंगशिंग डेप्यूटी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी जियांग सु पुलिस की क्यादत में 8 अफसरान शरीक हुए। एमडी सेफ सिटी मोहम्मद एहसन यूनुस ने चीनी वफद को पेशावराना अमूर और हिकमत अमली बारे ब्रीफिंग दी। चीन के सूबे जियांग सु से आए सीनियर पुलिस अफसरान के वफद ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया। पब्लिक सिक्योरिटी जियांग सु पुलिस के डेप्यूटी डीजी तीन योंगशंग ने वफद की क्यादत की, जिन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर सेफ सिटीज मोहम्मद एहसन यूनुस ने पेशावराना अमूर और इदारे की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। चीनी वफद को बताया गया कि सेफ सिटीज अथॉरिटी शहरियों की हिफाजत के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआविन है और पुकार 15 की बदौलत एमरजेंसी कॉल्स पर पुलिस रिस्पॉन्स में बेहतरी आ रही है। पंजाब पुलिस और जियांग सु पुलिस के माबैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, बॉडी वेयर कैमरों, 5G नेटवर्क और डेटा सिक्योरिटी के हवाले से तावन बढ़ाने का इरादा किया गया। डेप्यूटी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी जियांग सु पुलिस का कहना था कि चीनी टेक्निकल टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी और सेफ सिटीज को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी, आईजी पंजाब ने शहरियों के मसाइल सुने, हल बारे अहकाम जारी। आईजी पंजाब ने सायलिन के मसाइल सुने और मुतलका सुपरवाइजरी अफसरान से रिपोर्ट तलब की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने डीपीओस को अपनी निगरानी में इंक्वायरी मुकम्मल करके शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म दिया। सिख यात्रियों के वफद की पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आमद। वफद में अमेरिका से आए 14 सिख यात्री शरीक हुए। अमरीका से आए सिख यात्रियों के वफद ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा किया। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के जन्म दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के दौरे पर हैं। सेफ सिटीज आमद पर यात्रियों ने सिख मजहबी मुकामात पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ की। यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान फरिश्तों की धरती है और लाहौरियों की भरपूर मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिए। मनु बड़ी ही खुशी हुई, साडा इन्ना इस्तेमाल किया गया, इन्नी साडी इज्जत हुई, एवं लगे जिवें असीं अपने घर वापस आए हैं। सानू एवें लग्या जिवें अपने भरावां नूं मिलदे पए हां। मैं सारयां नूं इहो दरखास्त करदा हां कि सारे आन इत्थे, अपने देखो किन्ना तुहानूं प्यार मिलदा है। पाकिस्तान दी इस सेफ सिटी सेफ जगह ते मैं खड़ा इस वक्त, बड़ा महफूस फील कर रहा अपने आप नूं
और कमाल का अरेंजमेंट इतने देखे स्पैशली सीसीटीवी का मैं फर्स्ट टाइम देखा है किसी कंट्रोल रूम के इस तरह का सो इट वॉज वेरी अमेजिंग फॉर मी। सिख यात्रियों का कहना था पाकिस्तान को बदनाम करने का प्रोपेगंडा किया जाता है जबकि पाकिस्तानी पुरअमन कौम है। असी पहली बार पाकिस्तान आए हैं सानू बहुत मजा लगा इदा ही लगता जिदा असी पंजाब इंडिया के जिते मर्जी जाइए असी पंजाबी बोल सकते हैं इन्नी कंफर्टेबल फील करते हैं। पहले दिन तो साढ़े नाल एक पुलिस कार रही है जिदे नाल सानू बहुत ज़्यादा सेफ फील हुंदा है। साडी स्टे सो फार बहुत वधिया रही है बहुत सेफ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इत्थे दे लोग बिल्कुल पंजाबियों वर्गे ने सो असी चाहुंदे आ सारे जाने इदा हमेशा आई जाण इन्ने दरवाजे खुले रहन। मेहमानों का कहना था कि सेफ सिटी लाहौर जैसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं देखा जो मान सम्मान और प्यार हमें पाकिस्तान आकर मिला वो हमेशा याद रहेगा। उधर लाहौर में स्मोक के डेरे कैंट पोलो ग्राउंड में फजाई आलूदगी 490 रिकॉर्ड की गई। सेफ सिटीज का शहरियों की आगाही के लिए स्मोक बुलेटिन का आगाज सेफ सिटी वेब टीवी रोजाना सुबह 8 बजे स्मोक बुलेटिन नशर कर रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की क्या सूरत हाल रही देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया। टाउन हॉल लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 295, शाहरा कायदे आजम पर 450 और पोलो ग्राउंड कैंट में 490 रिकॉर्ड किया गया है। हमें इस मौके संगीन सूरत हाल का सामना है जिससे बचाव के लिए हम आप तक पहुँचा रहे हैं माहरीन की एडवाइस। तो सुबह वॉक के लिए जाने वाले अहबाब स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं ताकि आपके फेफड़े महफूज रह सकें। आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अपनी व्हीकल्स को अच्छी हालत में रखें और देखें कि कहीं वो आपकी गाड़ी तो नहीं जो धुआं छोड़कर स्मोक में इजाफे का बायस बन रही है। कूड़ा करकट और फसलों की बाकियात को हरगिज आग ना लगाएं, ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। शहरी अपने इर्द गिर्द स्मोक फैलाने वालों की इतला 15 पर जरूर दें ताकि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से मुतालिक अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।